जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी टेट वर्ग 3 के लिए गणित एवं शिक्षा शास्त्र का कोर्स लेकर मैं आपके लिए आ गया हूं और आज इस कोर्स का पहला लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने हमारा यह फ्री कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ऊपर आई बटन पर जो वीडियो आ रहा है उसको देखकर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको यूट्यूब पर लेक्चर मिलते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहां पर इससे रिलेटेड पीडीएफ फाइल्स, होमवर्क और आप मुझसे डायरेक्ट डाउट भी पूछ पाएंगे। ठीक है, तो ये शुरुआती केवल 1000 बच्चों के लिए है क्योंकि वहां पर हम 1000 बच्चों को ही टैकल कर पाएंगे। तो आप जल्द से जल्द व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू इससे जुड़ सकते हैं। तो पहले लेक्चर में मैं आपको शुरुआती पाठ्यक्रम बता दूं। ठीक है, शुरुआती जो पाठ्यक्रम है वहां पर यह दिया गया है कि 1000 से बड़ी संख्याओं को लिखना व पढ़ना और 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, तो यहां पर मैं सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। मैं 2 लेक्चर में इस सिलेबस को कंप्लीट कराऊंगा। ये सिलेबस का जो पहला पार्ट है इसके लिए 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, पहले लेक्चर में तो हम ये समझेंगे कि 1000 से बड़ी संख्याओं को लिखना व पढ़ना किस तरीके से है, और अगले लेक्चर में हम 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएं, जो मूलभूत संक्रियाएं होती है ना, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें, देखिए जितना लिखा है केवल उतना ही नहीं समझना है, हमको इसके अंदर क्या क्या हो सकता है सिलेबस में वो भी समझना है। जैसे 1000 से बड़ी संख्याओं को लिखना व पढ़ना बताया गया है, तो देखो हम ये समझें कि संख्याओं को लिखा किन किन पद्धतियों में जा सकता है और पढ़ा किन किन पद्धतियों में जा सकता है। ठीक है, तो जो व्यापक रूप से 3 पद्धतियां हैं, कितनी पद्धतियां हैं दोस्तों, 3 पद्धतियां हैं, 3 पद्धतियों में संख्याओं को पढ़ा व लिखा जा सकता है। तो हमको उन तीनों पद्धतियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहली पद्धति है हमारी हिंदू अरेबिक पद्धति। ठीक है, हिंदू अरेबिक पद्धति, इसको इंटरनेशनल पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इंटरनेशनल पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी आपकी है देवनागरी, ये हमारी भारतीय है देवनागरी पद्धति। ठीक है, और तीसरी है रोमन पद्धति। क्या है? रोमन पद्धति। तो इन तीनों पद्धतियों के बारे में हमको समझना पड़ेगा, इन तीनों पद्धतियों के प्रतीक चिन्ह जानने पड़ेंगे, इनमें किस तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है ये जानना पड़ेगा और किस तरीके से संख्याओं को पढ़ा जाता है ये जानना पड़ेगा। यहां पर ये जो पहली और दूसरी पद्धति है ये स्थानीय मान की बेस की पद्धति है, यहां पर जो पद्धति है ये स्थानीय मान के कंसेप्ट से डेवलप हुई है, जबकि जो रोमन पद्धति है वह स्थानीय मान के कंसेप्ट से डेवलप नहीं हुई है। इस लेक्चर में मैं आपको हिंदू अरेबिक पद्धति और देवनागरी नागरी पद्धति के बारे में समझाऊंगा कि इसमें संख्याओं को किस तरीके से लिखा व पढ़ा जाता है। फिर जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको रोमन पद्धति बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं स्थानीय मान की समझ बताऊंगा, और जब मैं स्थानीय मान की समझ बता रहा हूंगा वहां पर इसी में एक और सब टॉपिक रहेगा शून्य की समझ, कि शून्य क्या है, शून्य की खोज की मदद से किस तरीके से हिंदू अरेबिक पद्धति और देवनागरी पद्धति ये निकली और इनकी वजह से संख्याओं की को लिखना और पढ़ना आसान हुआ, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो वो अगले लेक्चर में रहेगा, हमने इस लेक्चर के लिए क्या क्या करना है ये समझ लिया है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देवनागरी संख्या पद्धति और हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति, जिसको अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली भी कहा जाता है, इसको समझने के पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए लिखना अलग है, संख्याओं को लिखना एक अलग बात है और पढ़ना एक अलग बात है, अलग अलग है। ठीक है, लिखना और पढ़ना ये अलग अलग है। ठीक, अभी मैं आगे बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूं इसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम देवनागरी संख्या पद्धति में किस तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है ये बता देता हूं। यहां पर कुल 10 प्रतीक चिन्ह होते हैं, प्रतीक चिन्ह कुछ चिन्ह होते हैं, उन चिन्हों के माध्यम से हम यहां पर संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है,
तो वो 10 प्रतीक चिन्ह होते हैं, ये मैं लिख देता हूं। फिर इनको क्या बोलते हैं ये भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, ये देखिए आ, इसको बोलते हैं 0, 0, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8 और इसको 9। 8 को कहीं कहीं पर इस तरीके से भी लिखा जाता है और 9 को इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये डंडा मैंने वैसे ही खींचा है, ये है वास्तव में, ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक, तो ये तो हो गए प्रतीक चिन्ह। इन 10 प्रतीक चिन्हों के माध्यम से कितनी भी बड़ी संख्या लिखी जा सकती है। इस संख्या पद्धति की विशेषता यह है कि केवल ये 10 प्रतीक चिन्ह हमको मालूम है तो हम कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, जबकि रोमन पद्धति में ऐसा नहीं होता है। जो हिंदू अरेबिक पद्धति है वहां पर भी प्रतीक चिन्ह 10 ही है, वहां पर भी कितने प्रतीक चिन्ह है, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इस तरीके से। इनको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी बोला जाता है और इनको भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी बोला जा सकता है। इसका मतलब यह है कि लिखना पढ़ना अलग अलग है, यानी कि अगर देवनागरी जरूरी नहीं है, अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी है 45 तो हम इसको 45 ही पढ़ेंगे, इसको हम 45 भी पढ़ सकते हैं। और अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी है 4 और 5 हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखे हैं तो हम इसको 45 भी पढ़ सकते हैं और 45 भी पढ़ सकते हैं। तो लिखना और पढ़ना दोनों अलग अलग चीज हैं। हम देवनागरी की संख्या पद्धति में अगर कोई संख्या लिखी है तो उसको हम इंटरनेशनल गणना प्रणाली में भी पढ़ सकते हैं, और जो इस तरीके से लिखी है इस फॉर्मेट में उसको हम देवनागरी की फॉर्मेट में भी पढ़ सकते हैं। तो लिखना और पढ़ना बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके से लिखी है तो उसको 45 ही बोलना है, 45 नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, यहां पर कुल कितने प्रतीक चिन्ह है, 10, और यहां पर कुल कितने प्रतीक चिन्ह है, 10, इसलिए इनको हम दार्शनिक प्रणाली भी बोलते हैं। ये दोनों ही आपकी कैसी प्रणाली है, दार्शनिक प्रणाली या फिर डेसिमल सिस्टम, यहां पर मैं लिख देता हूं दार्शनिक प्रणाली। ठीक है, याद रहेगा। अगर किसी प्रणाली में केवल 2 ही प्रतीक चिन्ह होते हैं तो उसको हम द्विआधारी संख्या प्रणाली बोलते हैं, जैसे कि बाइनरी सिस्टम जिसमें 0 और 1 यही 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही अष्टाधारी प्रणाली, उसमें 0 से लेकर 7 तक 8 अंक होते हैं। जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम अंक भी बोल देते हैं, अंक या डिजिट। ठीक है, ये भी बोल देते हैं, इनको भी हम अंक या डिजिट बोल देंगे। प्रतीक चिन्ह, अंक या डिजिट, ये सब एक ही चीज है। जो संख्या होती है, संख्या थोड़ा अलग चीज है। ठीक है, संख्या और डिजिट में आप थोड़ा फर्क समझ लीजिए एक बार। ठीक है, कभी कभी ये फर्क किसी ना किसी तरीके से भाषाई रूप से आपसे पूछा जा सकता है। संख्या क्या है, इंग्लिश में संख्या को हम नंबर कहते हैं, नंबर, और डिजिट क्या है, अंक, डिजिट या फिर प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये सारी एक चीज है, अंक या प्रतीक चिन्ह, ये 10 प्रतीक चिन्ह है, 0, 1, 2, ये प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, संख्या जब हम किसी चीज को गिनने लग जाए, काउंटिंग में यूज हो जिसका, उसको हम संख्या या नंबर कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है ये 15, 15, तो ये एक नंबर है। 5 भी अगर लिखा हुआ है लेकिन ये कहीं काउंटिंग में यूज हो रहा है, गणना में यूज हो रहा है, जोड़ घटाने कहीं पर यूज हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, संख्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से केवल चिन्ह बताए गए हैं कि ये देवनागरी की संख्या पद्धति के चिन्ह है तो वहां पर इसको हम डिजिट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, डिजिट कहेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो लिखा और पढ़ा अलग अलग तरीके से जा सकता है। अब मैं इनके नाम के बारे में भी बता दूं, इन दोनों का ही जन्म भारत में हुआ है, देवनागरी की संख्या पद्धति और हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति का। ठीक है, हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति को ही अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली भी कहा जाता है, यानी स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ये। इसका नाम हिंदू अरेबिक क्यों पड़ा, क्या हुआ कि अरबी लोग भारत आए,
बहुत सारे, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो देखा होगा बहुत सारे अरबी विद्वान भारत आए, उन्होंने भारत की संख्या पद्धति देखी और उन्होंने देखा कि ये संख्या पद्धति इतनी रिच है कि यहां पर आप कितनी भी बड़ी संख्या लिख सकते हो मात्र 10 अंकों की मदद से। जीरो के इंपोर्टेंस को उन्होंने देखा और उन्होंने संख्या पद्धति को ले गए वो अपने साथ। यूनान जब पहुंचे तो उन्होंने ये संख्या पद्धति वहां के लोगों को बताई, तो वहां के लोगों ने उस संख्या पद्धति को अरबी संख्या पद्धति कहा, क्योंकि देखिए वो लोग भी अपनी रोमन संख्या पद्धति से परेशान थे, क्योंकि रोमन संख्या पद्धति में बड़ी बड़ी संख्याएं नहीं लिखी जा सकती थी और काफी सारी कमियां थी रोमन संख्या पद्धति में, क्योंकि वह स्थानीय मान पर बेस्ड नहीं थी। ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा डिटेल में, ये लेक्चर में ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं करना चाहता क्योंकि पहला ही लेक्चर है और पहले ही लेक्चर में आपको लगने लगे पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, ऐसा ना हो, ठीक है। तो रोमन लोगों को यह संख्या पद्धति बहुत अच्छी लगी तो वो इसका यूज करने लगे और उन्होंने कहा यह तो अरबी संख्या पद्धति है। तो अरबों ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो हम भारत से सीख के आए हैं, ये तो हिंदू संख्या पद्धति है, इसलिए इसको दोनों का मिलाकर हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति कहा जाने लगा। देखिए अरबी लोग भी कितने अच्छे थे, उन्होंने बोल दिया कि नहीं ये तो हम वहां से सीख के आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं किया कि नहीं किसी की नकल छाप लिया अरबी संख्या पद्धति हो जाती, बेतार के तार जैसा काम हो जाता है कि नहीं। तो इतना हमने देख लिया, अब हम यहां पर लिखना देख लिया। आप कोई भी संख्या लिख सकते हो इन प्रतीक चिन्हों के माध्यम से, ठीक है, आपने कुछ भी लिख दिया, ये देखिए ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो ये किस संख्या पद्धति में लिखा है, देवनागर की संख्या पद्धति में लिखा है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है संख्या। ये किस संख्या पद्धति में लिखी है, इंटरनेशनल गणना प्रणाली हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने के विषय में हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है देवनागरी की पद्धति में, देवनागरी की नागरी पद्धति, और दूसरी तरफ हिंदू अरेबिक या इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। यहां मैंने लिखा है 3-2-2-2 और यहां लिखा है 3-3-3-3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लें, जो देवनागरी पद्धति है वहां पर हम संख्याओं को पहले 3 के आवर्त में फिर 2-2-2-2 के आवर्त में बनाते हैं, इसका मतलब क्या है, मैं आपको पता है इस तरीके से लिखना और पढ़ना सिखा दूंगा कि आपको कोई संख्या बोलेगा तो आप अभी क्या, जैसे किसी ने बोला आपको 4,75,466 लिखो तो आप क्या सोचोगे, पीछे से गिनना चालू करोगे, 2,500 कहां पे लाख लिखें, लेकिन मैं आपको आगे से ही लिखना बता दूंगा और पढ़ना भी आगे से ही समझा दूंगा, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा भी जाता है, ठीक है, और ये बच्चों को जब आप समझाओगे तो वहां पर भी आपके लिए काफी अच्छा होगा। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको आती होंगी लेकिन यहाँ पर कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो हम समझें, यहाँ पर इस तरीके से रहता है, 3 का आवर्त पहले बनता है उसके बाद 2-2 के आवर्त बनते हैं, और इन सभी आवर्तों का एक स्थान होता है, इसको हम इकाई कहते हैं, इकाई, इकाई में जो पहला स्थान होता है इकाइयां कहते हैं, पहला स्थान आपका इकाई का, दूसरा स्थान दहाई का, और तीसरा सैकड़े का, ठीक है, और फिर ये हजार का कॉलम आ गया, कितने का आ गया, हजार का, पहला स्थान हजार का और दूसरा स्थान 10,000 का, ठीक है। फिर ये लाख का कॉलम आ गया, ये 2 का आवर्त है, ये लाख, यहां पर लाख चलता है, पहला स्थान है लाख का, दूसरा स्थान है 10,00,000 का, उसके बाद फिर करोड़ का, करोड़ के बाद अरब का, खरब का, इस तरीके से, करोड़ में भी ये 1 करोड़ का है और ये 10 करोड़ का आवर्त है, ठीक है। लेकिन हिंदू अरेबिक पद्धति में 3-3 का ही चलता है, उन्होंने हमसे ही सीखी, लेकिन उस समय हमारी क्या थी, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी, हमको बड़ी बड़ी संख्याओं की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, इसलिए शुरुआत में तो इकाई दही सैकड़ा, उसके बाद हजार, फिर हमने 2-2 के कॉलम ही यूज करे, ठीक है। लेकिन वहां पर उन्होंने यहां शुरुआत में 3 का कॉलम, उसके बाद हमेशा 3-3 का ही कॉलम रखा, उन्होंने पूरा एक जैसा रखा, ठीक है। तो इस मामले में मैं हिंदू अरेबिक इंटरनेशनल पद्धति को थोड़ा रिच मानूंगा, ठीक है। यहां पर उन्होंने पहले 3 कॉलम, फिर अगले में भी 3 कॉलम, फिर अगले में भी 3 कॉलम,
फिर अगले में भी तीन कॉलम, ऐसे तीन तीन कॉलम में ही उन्होंने आगे बनाते चले गए। ठीक है, तो ये देखिए तीन तीन कॉलम के नाम क्या है ये समझ लो। यहां पर बिल्कुल इकाइयां, इकाई दाई सैकड़ा, ये इकाइयां हैं, इकाई दाई सैकड़ा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा इकाई दाई सैकड़ा। फिर उसके बाद ये हजार, हजार में क्या चलता है, ये पहला स्थान है ये 1000 का है, दूसरा स्थान 10000 का है, 10000, और तीसरा स्थान 100000 का है। ठीक है, यानी कि सैकड़े में हजार का। ऐसे ही फिर हजार के बाद वहां पर आता है मिलियन, पहला स्थान मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ऐसे ही ये फिर मिलियन के बाद आता है बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन। तो वो सारी चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि तीन तीन के आवर्त आते हैं। तो यहाँ पर 1 बिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन। ठीक है, तो अब देखो इससे हम पढ़ना कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ना सीखेंगे वो मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, मान के चलो ये जो सामने संख्या लिखी है इस संख्या को हमें पढ़ना है। ठीक है, अब कौन सी पद्धति में पढ़ना है, पहले हमको मान लो देवनागरी नागरी पद्धति में पढ़ना है, देवनागरी पद्धति में पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या को ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद हम आवर्त बनाएंगे। पहला आवर्त हम तीन स्थान के बाद ये कॉमा लगाएंगे, जहां जहां आवर्त बनाएंगे वहां वहां कॉमा लगा देंगे। ठीक है, ये कॉमा लगा दिया, फिर दो के बाद कॉमा, फिर दो के बाद, इसी तरीके से दो दो के बाद पहले तीन का आवर्त बनाते, फिर दो का, फिर दो का, फिर दो का, इसी तरीके से तो बनाते हैं ना। अब हमको इसको पढ़ना है, हमें पता है ये आपका इकाइयों का कॉलम है। ठीक है, और ये आपका किसका कॉलम है, हजार का, ये आपका कॉलम किसका है, लाख का, और ये कॉलम किसका है, करोड़ का। तो आपको कुछ नहीं, अब इतना इतना पढ़ना। अब देखिए आगे से पढ़ना मैं आपको बताऊं, ये क्या है सात, करोड़ में क्या है सात, तो हम क्या पढ़ेंगे, सात करोड़, सात करोड़। अब लाख में कितना है, 89, यानी कि 89, तो हम क्या लिख देंगे, नवासी, नवासी लाख, और ये कितना है हजार, हजार में कितना आ रहा है, 10 हजार, 741, 41। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको पढ़ लिया। अब अगर इसी को हमें पढ़ना होता किसमें, इसी को हमको हिंदू अरेबिक पद्धति में पढ़ना होता या इंटरनेशनल पद्धति में पढ़ना होता, तो देखो कैसे पढ़ते हम, पहले इस संख्या को लिखते फिर उसके आवर्त बनाते। तो हमने लिख ली संख्या, ठीक है, और अब हम आवर्त बनाएंगे। यहां पर हम तीन तीन के आवर्त बनाएंगे, ये तीन का एक आवर्त बन गया, फिर ये तीन का बन गया, ये दो ही का रह गया, चलिए यहां पे इतना ही बना रहने देते हैं, आगे जीरो मान लो, कुछ भी कर लो, उसमें क्या है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, इसको इकाइयां कहते हैं हम, ये क्या है आपका हजार वाला कॉलम है, और ये क्या है आपका मिलियन वाला कॉलम है। तो अब आपको कैसे पढ़ेंगे, मिलियन कितने, देखिए 78 मिलियन, 910 हजार, 741। तो कैसे लिख देंगे हम, 78, ये आप लिख लेना 78 मिलियन, 910 हजार, 741। तो यहां पर तीन तीन का जोड़ा बनाकर फिर उनको पढ़ा जाता है, और यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको पहले तीन का कॉलम बनाना होता है, फिर दो दो का कॉलम बनाकर फिर पढ़ना होता है। अब यहां पर प्रश्न कैसे कैसे आएंगे, प्रश्न इस तरीके से आएंगे, या तो संख्या लिखी होगी। अब देखो ऐसा नहीं समझना कि सर ये तो क्या जो लिखी हुई है ना संख्या, ये 7 8 9 जो आपने लिखा है ये तो हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखा है, तो आप इसको देवनागरी ना, इसको हिंदू अरेबिक में ही बोलना होगा, ऐसा नहीं है। अभी मैंने बोला था कि नहीं कि देवनागरी पद्धति में जो लिखी हुई संख्या है उसको हिंदू अरेबिक में भी बोल सकते हैं, और ये हिंदू अरेबिक में लिखी हुई है इसको देवनागरी की नागरी में भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, तो हमने इसको देवनागरी में लिखा बोला। ठीक है, और देव हिंदू अरेबिक पद्धति में ही लिखा हुआ आपको पेपर में आएगा हर जगह। ठीक, तो इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है, जैसे कि चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, चलिए हमने एक ऐसा उदाहरण बना लिया है जिससे आपके दो सवाल एक साथ हो जाएंगे। 45,03,56,211 को हिंदू अरेबिक पद्धति में लिखिए। ठीक है,
तो इससे क्या हुआ, अभी ये जो लिखा हुआ है ये आपका देवनागरी पद्धति में लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे मालूम चला देवनागरी में, करोड़ लाख ये सब देवनागरी नागरी होते हैं, और मिलियन बिलियन ट्रिलियन ये सब हिंदू अरेबिक में होते हैं। तो हमको क्या है, इससे एक तो जो शब्दों में लिखी हुई संख्या है उसको अंकों में लिख देंगे, ठीक है, वो भी लिखना सीख जाएंगे शब्दों की लिखी हुई संख्या को अंकों में, और फिर उसको फिर हिंदू अरेबिक पद्धति में लिख देंगे। तो देखिए करोड़ लाख और ये हजार वाली है, तो हम इसको लिखने के लिए क्या पैटर्न बनाए, पहले हम यहाँ पे दो खांचे बनाएंगे, ये करोड़ वाले, फिर दो खांचे लाख वाले, और फिर दो खांचे हजार वाले, और फिर तीन खांचे वैसे। अब इतने में ये लिख जाएगी। अब देखो 45 करोड़, तो 45 लिख देंगे यहां पर करोड़ वाले कॉलम में। अब नीचे ऐसे लिख देंगे, ये करोड़ का कॉलम है, ये लाख का कॉलम है, ये वाला हजार का कॉलम है, और ये वाला इकाइयों का। तो 45 करोड़ तो 45 लिख दिए, 3 लाख तो यहां पर 3 यहां अगर लिखेंगे और पीछे जीरो लिख देंगे तो फिर वो 30 लाख हो जाएगा, तो आगे जीरो पीछे 3, तो 3 लाख लिख गया। 56,000 यानी 56 लिखना है यहां पर, सीधा सीधा 56 लिख दिया। फिर ये 211 तो 211 लिख दिया, ठीक है, लिख गई कि नहीं। हमको पीछे से नहीं काउंट करना पड़ा और गलती के चांसेस भी नहीं रहे, तो हमने ऐसा मेथड समझा जिससे गलती के चांसेस भी नहीं रहे और आसानी से हमने लिख भी दिया, है कि नहीं। ज्यादातर गलती यहां पर होती है ऐसी जगहों पर, जहां पर आगे लाख में कम आ जाए, 3, 4, 5, या फिर हजार में 6, 7, या हजार का कॉलम ही गायब हो जाता, तो यहाँ पर हम 0, 0 लिख देते। जैसे कोई संख्या होती 45 करोड़ 3 लाख 211, तो हजार के कॉलम में कुछ भी नहीं है, तो 0, 0 लिख देते दोनों तरफ, तो वहां पर गलती बच्चे कर जाते हैं। अब हमने देखो इसको लिख लिया किसमें, हमने देवनागरी नागरिकी नागरी में हमने इसको लिख दिया, ठीक है, मतलब लिखा तो हिंदू अरेबिक में ही है पर हमने इस चीज को अंकों में लिख दिया। अब हम इसको हिंदू अरेबिक पद्धति में कितना होगा उसको शब्दों में लिखना है, हिंदू अरेबिक पद्धति में शब्दों में लिखिए, ये लिखना था यहाँ पर, शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखने के लिए अब हमको अलग तरीके से कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर हम आवर्त या कॉलम बनाएंगे। हमको 3-3 के कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो हमने एक ये 3 का कॉलम, फिर ये 1-3 का, ये 3 का, ये तो इकाइयां हो गई, ये आपका हजार हो गया और ये आपका मिलियन हो गया। तो अब अगर आपको यहां पर लिखना होगा तो आप किस तरीके से लिखेंगे, 450 मिलियन, 450 क्या है मिलियन, यहां पर आप 3-3 के जोड़े को पढ़ेंगे, 356 हजार 211, ठीक है कि नहीं। इस तरीके से आप इनको लिख लिया करेंगे, तो उम्मीद है आपको यह भी समझ में आया होगा। कुछ प्रश्न और देख लेते हैं जो यहां से पूछे जा सकते हैं, या फिर वो पैटर्न समझ लेते हैं जिनसे प्रश्न आते हैं। चलिए मैं आपको 4 प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे लेक्चर को समराइज कर देता हूं। इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा और आपको ये समझ में आएगा कि इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। एक तो सीधे सीधे प्रश्न आएंगे इस चैप्टर से, सबसे ज्यादा चांसेस हैं उसी तरीके के प्रश्न आए, संख्या लिख के दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इसको इंटरनेशनल पद्धति में कैसे लिखा जाएगा या फिर इसको देवनागरी पद्धति में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये सबसे कॉमन प्रश्न है, 90% चांस है इस तरीके के प्रश्न आए, क्योंकि पिछली बार भी आए थे। लेकिन अगर थोड़ा और एडवांस प्रश्न आएंगे तो ये 4 प्रश्न मैं आपको बता देता हूं इस तरीके के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति यानी इंटरनेशनल संख्या पद्धति और देवनागरी संख्या पद्धति में कौन सा अंक डिजिट या प्रतीक चिन्ह समान है, 0, 1, 6, 9। देखिए 0 को कैसे लिखते हैं, ये है, 1 को कैसे लिखते थे, 1 में तो ऐसे लिखते थे देवनागरी में, हिंदू अरेबिक में इस तरीके से लिखते थे, तो ये तो एक जैसा है नहीं, ठीक है। 0 को तो दोनों जगह ऐसे अंडा अंडा बना के ही लिखते थे, तो दोनों एक दूसरे के एकदम एक जैसे हैं। 6 को देवनागरी में लिखते थे हम इस तरीके से और यहां लिखते हैं ऐसे, 9 को देवनागरी में हम लिखते थे ऐसे और यहां पर लिखते हैं कैसे, ऐसे। एक प्रश्न और आता है कि कौन सा अंक ऐसा है जो हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति और देवनागरी संख्या पद्धति में एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है, तो यहां पर अगर आप इसमें दर्पण लगा दोगे तो यहां ऐसा बन जाएगा,
ठीक है। तो जो 9 अंक है वो एक दूसरे का हिंदू अरेबिक और देवनागरी में एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है, तो इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो समान कौन हो जाएगा? 0। देवनागरी में भी अंडा बनाते हैं, यहाँ पर भी अंडा जैसा बनाते हैं, ठीक है, बाकी समान नहीं है। कुछ लोगों को एक समान लग सकता है, एक समान नहीं है, यहाँ देखिए कितनी असमानता है। अब आते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, 75 करोड़ को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या कहा जाएगा? ये जो 75 करोड़ लिखा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये लिखा हुआ है आपका किस में? देवनागरी में लिखा है। करोड़, लाख, ये सारे चीजें किसकी हैं? देवनागरी की हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको इसको अंकों में लिखना होगा, 75 करोड़ को। तो कैसे लिखेंगे? ये करोड़ का कॉलम हो गया, ये लाख का कॉलम हो गया, ठीक है, फिर ये हजार का कॉलम हो गया, ये इकाइयों का कॉलम हो गया, इस तरीके से हम लिखेंगे। और 75 करोड़, तो करोड़ वाले कॉलम में 75 लिख देंगे, उसके बाद लाख कितने हैं? 0 लाख है, तो 0 0 लिख देंगे लाख में। हजार कितने? हजार भी नहीं है, तो वहां पर भी 0 0। इकाइयां कितनी है? वो भी नहीं है, तो यहाँ पर भी 0 0। कितनी आसानी से हमने 75 करोड़ लिख दिया। बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसा ही आ जाएगा कि बताओ एक करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो एक करोड़ लिखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तुरंत गिन लिए कि 7 जीरो होते हैं एक करोड़ में, ठीक है। किसी ने पूछ दिया 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 जीरो होते हैं, तो ये भी बताना आसान हो जाएगा। और डायरेक्टली ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब हमको इसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखना है, तो हमको इसको दोबारा से लिखना पड़ेगा, 75 1 2 3 4 5 6 7, और इसको हमको अलग तरीके से तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? तीन तीन के हिस्सों में तोड़ेंगे अब, क्योंकि इंटरनेशनल प्रणाली में तीन तीन का काम होता है, तो हमने तीन तीन के हिस्से में तोड़ लिया, ये तीन, ये तीन और ये तीन। ये तो आपकी इकाइयां हो गई, ये हजार हो गए और ये आपके मिलियन हो गए। तो जो 75 करोड़ है उसको हम क्या बोलेंगे? 750 मिलियन, और फिर 0 हजार 0 इकाइयां, तो कितना बोल देंगे डायरेक्टली? कितना बोल देंगे इसको हम? 750 मिलियन, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, किसी संख्या में उन उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? उन आपको ध्यान आ रहा है? ये मैंने पढ़ाया नहीं, लेकिन बहुत ही छोटी चीज है इसलिए नहीं पढ़ाया, लेकिन इस तरीके के प्रश्न आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। किसी संख्या में उन उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? जैसे संख्या है 49 49 39 39 39, ठीक है, 49 79, ठीक है, 19 19। तो ये जो उन आ रहा है इसका मतलब क्या है? 19 का मतलब है 20 से एक कम, 39 का मतलब है 40 से एक कम, 49 का या 49 का मतलब है 50 से एक कम, 59 का मतलब है 60 से एक कम, तो उनका मतलब होता है एक कम। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? एक कम। नहीं तो आप समझ ही नहीं पाओगे पहली नजर में, अगर ये प्रश्न ऐसा आ गया तो आप समझ ही नहीं पाओगे, पता नहीं क्या पूछ रहा है, एक कम, एक ज्यादा, जीरो, नॉट अवेयर, नन ऑफ दिस, क्या लगा दें? तो ऐसे में आपको क्या जीरो कहीं पे भी दिखता है, अब जीरो लगा देते हैं, ये तो सबका कॉमन रहता है कि जीरो लगा देना है आंसर में, ठीक है। चौथे नंबर का प्रश्न देख लो, किस संख्या पद्धति को पढ़ने हेतु समान आवर्तों का प्रयोग होता है? आवर्त यानी वही कॉलम बनाते थे ना हम, तो देखो जो देवनागर की संख्या पद्धति थी उसमें हम पहले 3 का कॉलम बनाते थे, फिर 2 का कॉलम, फिर 2 का कॉलम, फिर 2 का कॉलम, तो यहाँ पर सारे कॉलम बराबर हैं क्या? नहीं, पहले 3 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का। हिंदू अरेबिक यानी इंटरनेशनल में हम हमेशा 3 3 का कॉलम बनाए, 3 का 3 का 3 का, तो यहाँ पर सारे आवर्त यानी कॉलम बराबर है, ठीक है। तो हमारा आंसर बी सही हो जाएगा। रोमन के बारे में भी हमको पता नहीं है, रोमन होगा भी नहीं, तो सभी आपका आंसर नहीं होगा, और रोमन में एक एक करके वहां पर कोई कॉलम वॉलम नहीं बनते हैं, वो आपकी उसकी समझ पर नहीं है, स्थानीय मान की समझ पर नहीं है। तो उम्मीद है आपका डेली आधा घंटे का एक लेक्चर रहा करेगा, आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, और ये अगर आप पूरा कोर्स कर लेंगे तो 30 में से 30 नंबर किसी ने नहीं रोके आपके, ये मान के चलिए, लेकिन आपको होमवर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ जाइए। देखिए व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग की ये फायदा है कि उससे क्या है, एक तो क्या है, जैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं उन पे तो बहुत चर्चा होती रहती है, बच्चे एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, डिस्टर्ब करते रहते हैं, पढ़ना लिखना कुछ होता नहीं है, वैसे ही ध्यान देते रहते हैं, तो इसलिए हमने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग रखा। इससे क्या है, हम एक जगह पे मैसेज भेजेंगे और सभी बच्चों के पास वो पहुंच जाया करेगा,
और आपको जो भी प्रश्न पूछना है वो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। इससे क्या है कि एक तो एक दूसरे का नंबर कहीं नहीं जाएगा, प्राइवेसी आपकी बनी रहेगी, और दूसरा ये है कि आप डायरेक्ट टीचर के साथ इंटरेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो आप WhatsApp ब्रॉडकास्टिंग से जुड़ जाइए। आई बटन पर आपको दिया गया है, आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां पे पूरी प्रोसेस दी गई है किस तरीके से कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन कर लें, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम ज्यादा बच्चे वहां पे बेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी भी लिमिटेशन है। हमको एक एक करके बच्चों के नंबर वहां पर एड करने पड़ रहे हैं, सेव करने पड़ रहे हैं। आप हमारा नंबर सेव करोगे तभी मैसेज पहुंच पाएगा, अदरवाइज मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, फिर सभी के क्वेश्चनों के आंसर जवाब ये देना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। धन्यवाद, जय माता।